गाइस वेलकम टू माय YouTube चैनल डिजाइन पर मैं माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे एक बैग ब्लाउज डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग में ये डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वाली डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी कोई न्यू डिजाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे इस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा तभी आपको डिजाइन अच्छे तरीके समझ में आएगी। चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। तो देख लीजिए मैंने ये ब्लाउज को कट कर दिया है। चलिए मैं आपको इसका लेंथ दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज की लेंथ 13 इंच रखी है। 3 इंच के गले पे पहले मार्किंग कर लेते हैं चौड़ाई का, और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई का मार्किंग कर देंगे। तो मैंने देखिए दोनों साइड से मार्क कर दिया। अब गले का लेंथ का साइज मैं 10 इंच रख रही हूँ, तो 10 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ। अब मैंने जितने मार्क किए हैं सबको एक स्ट्रेट लाइन में बराबर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बराबर कर दिया है। अब यहाँ से पहले हम 1 इंच का एक गोलाई दे देते हैं गले में। तो देखिए मैंने गले में 1 इंच का गोलाई दे दिया, और जो मैंने स्ट्रेट लाइन से मार्क किया था उसको हम रहने देंगे। अब 1.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच की देखिए मैं चौड़ाई रखते हुए पूरा मार्क कर रही हूँ, और जो मैंने स्ट्रेट लाइन किया था वहीं से हम साइज लेंगे पूरा। अब इसको मैं बराबर कर ले रही हूँ लाइन को। देखिए मैंने पूरा बराबर करके लाइनिंग कर दी है। अब थोड़ा सा मैंने एक मार्किंग और की, इतना मुझे सिलाई में एडजस्ट करना है। तो पहले देखिए मैंने गले को कट कर दिया है राउंड में। अब एक साइड से सिर्फ कट करेंगे, ये देख लीजिए, और जहाँ से मैंने मार्क किया था दूसरा वाला वहाँ से हम कट कर देंगे। ये देख लीजिए मैंने एक साइड से पूरा कटिंग कर दी है। अब मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है, अब इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे, और गले को सेम पहले राउंड में हम कट कर लेते हैं। अब अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर में हम फैला लेते हैं, ये देख लीजिए। अब पहले हम जो इसकी सिलाई कर लेते हैं, तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर स्टिच कर देंगे। ये देख लीजिए मैंने गले को स्टिच कर दिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले में इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये मैंने निकाल दिया, पूरा हम गले पे कट्स लगा लेते हैं। तो मैंने कट्स लगा लिए, अब इसको उलट कर सीधा कर देंगे। ये देखिए मैंने ब्लाउज को सीधा कर दिया है, पूरा ऐसे सीधा कर लीजिएगा उलट कर। अब एक सिलाई लगाते हुए पहले हम गले को फिर से स्टिच करेंगे। ये देखिए मेरा गला स्टिच हो चुका है। अब इसकी हम ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर कर दे, पूरे ब्लाउज की हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने देखिए पूरे ब्लाउज की सिलाई कम्प्लीटली कर ली है। अब मैं आपको इसका अंदर की जो डिज़ाइन बनाई जाएगी वो बताती हूँ। तो चलिए मैं इसको एक साइड कर लेती हूँ। अब मैंने देखिए ये एक पट्टी लिया है, कपड़ा लिया, इसकी मैं पट्टी स्टिच करूँगी। थोड़ी सी चौड़ी हम पट्टी स्टिच कर लेंगे। ये मैंने पट्टी देखिए स्टिच कर दिया है, मैंने दो पट्टियाँ स्टिच कर ली। इसको मैं उलट कर सीधा कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने पट्टी को सीधा कर दिया है, दोनों पट्टियाँ बिल्कुल सीधी हैं। अब इसको एक साइड करेंगे। अब जो मैंने अस्तर कट करते समय निकला था मेरा कपड़ा, जहाँ से मैंने सीधे में कट किया था स्क्वायर में, अब मैं वो कपड़ा ले ली हूँ अस्तर का, और ये मैंने पेपर ले लिया है। अब इसके ऊपर बिल्कुल रख लेंगे, बराबर में एक मार्किंग कर लेते हैं। अब देखिए गला एक साइड से मैंने फोल्ड करके थोड़ा सा स्टिच किया है, तो उसको उतना ले लेंगे। फिर जितना आपको स्टिचिंग में डालना है उतना ले लीजिएगा। देख लीजिए मैंने उतना मार्किंग में ले लिया है। तो पूरा जो इसकी आ गई चौड़ाई वो 2 इंच आ गई, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, 1.5 इंच की ऑलरेडी मेरी जो कटिंग थी ब्लाउज की। अब देखिए इसको बराबर कर लेंगे 2 इंच पे पूरा हम। अब पूरा हम इसको कट कर देते हैं इसी तरीके से। तो मैंने देखिए पेपर कट कर दिया है। अब मैं जो भी डिज़ाइन के लिए जो पट्टी स्टिच की हूँ उसको ले लेती हूँ। एक पट्टी हम ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिएगा जो मैंने पट्टी कट की है पेपर की उससे, और उसी बराबर में हम सब पट्टियों को कट कर देंगे छोटे छोटे करके। ये देख लीजिए मैंने
छोर पट्टियाँ देखिए कट कर दी हैं, ये कम्प्लीटली कट हो चुका है। अब मैं इसको जो है न्यूज़पेपर की जो पट्टी उस पर रख के सभी पट्टियों को स्टिच कर दूंगी जो क्लॉथ्स की हैं। तो बिल्कुल बराबर करते हुए देखिए मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे आपको भी करना है। तो जिस साइड से पहले मैं स्टिच कर रही हूँ इस साइड से हम पाइपन करेंगे, तो बिल्कुल बराबर में इस साइड से कर लेंगे। एक साइड से देखिए स्टिच हो चुका है, दूसरे साइड से हल्का सा देखिए मैं बीच में थोड़ा सा कपड़े को देखिए हल्का सा बड़ा करके फिर स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी मनी लगाना है इस पर, तो थोड़ा सा कपड़े में खिंचाव आएगा। देख लीजिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैं फुलाते हुए फिर स्टिच कर रही हूँ। तो मैंने सभी पट्टियों को स्टिच कर दिया है, अब सेटिंग कर लीजिएगा दोनों साइड से। मैंने कर लिया है सेटिंग, अभी मैंने तिरछे में क्रॉस कटिंग की है कपड़े की। पाइपर बनाना है मुझे, थोड़ा सा स्ट्रेचबल है ये, इसको डबल फोल्ड करके देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं इससे पाइपन आपको बना के दिखा दूँ, बिल्कुल पतली सी पाइपन हमें बनानी है। तो पहले देखिए मैं इसको स्टिच कर देती हूँ इसके ऊपर से रखकर। एक ही साइड से मुझे पाइपन करनी है, दूसरे साइड से हमारा स्टिचिंग में जाएगा डिज़ाइन। तो एक साइड से आप पाइपन कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ से हम गोल करते हुए पूरा पाइपन कर देंगे। ये देख लीजिए मेरी पाइपन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको इसको ब्लाउज के साथ में स्टिच करके दिखाती हूँ। तो मैं ब्लाउज ले लेती हूँ, तो मैंने ये ब्लाउज ले लिया है। अब इसको हम बराबर में बिल्कुल रख लेंगे डिज़ाइन। तो दोनों साइड का शोल्डर बिल्कुल बराबर कर लीजिएगा, जितना आए उतने बराबर में आप रख लीजिएगा, फिर इसे स्टिच कर देंगे हम। ये देख लीजिए मैंने डिज़ाइन को स्टिच कर लिया है। अब चलिए मैं आपको इसको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं लैस ले लेती हूँ और डिज़ाइन के साइड से लैस लगा देती हूँ। तो मैं आपको लैस लगा के दिखाती हूँ। इस साइड से देखिए मैंने लैस ले लिया, अब यहाँ से हम लैस लगा लेंगे। ये देख लीजिए मैंने लैस लगा लिया है। अब मैं जो लैस को एक्स्ट्रा लगाना है वहाँ पे लगा के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने फिर से लैस लिया है। अब नीचे के साइड से मैं कैसे लैस लगा रही हूँ वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ऐसे आप भी लगा लीजिएगा। तो यहाँ से तो बिल्कुल बराबर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देखिए हम गले के साइड से गैपिंग करते हुए लैस लगा रहे हैं। गले से देख लीजिए थोड़ा सा गैप है, ऐसे आपको भी करना है। तो थोड़ा सा गैप देते हुए फिर लगाइएगा। एक साइड से देखिए लैस स्टिच हो चुकी है, मैं दूसरे साइड से लैस को स्टिच कर रही हूँ। देखिए दोनों साइड से बिल्कुल कम्प्लीटली लैस स्टिच हो चुकी है। अब चलिए मैं आपको आगे का डेकोरेशन इसका बताती हूँ। तो यहाँ से हम डोरी ले लेंगे, तो जो गले में डोरी लगाई जाती है वही वाली डोरी है नॉर्मली से। अब इसको मैं गले के बिल्कुल साइड में लगाती हूँ। देख लीजिए मैं कहाँ से लगा रही हूँ, वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल साइड में लगाते हुए स्टिच कर दूँगी डोरी को। ये देख लीजिए मैंने डोरी स्टिच कर दी है। अब चलिए देखिए, अब ये इस डोरी को जितना आपको नीचे के साइड बांध के रखना है उतना आप ले लीजिएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग ले ली हूँ। ये देखिए अब मैं डोरी को जो मैंने भी डिज़ाइन बनाई है पट्टी वाली उसमें भी डोरी डालेंगे। तो कैसे मैं डोरी डाल रही हूँ वीडियो में आप देख लीजिए। ये देख लीजिए मैंने डोरी डाल ली है, और थोड़ा सा डोरी नीचे के साइड बिल्कुल बराबर करते हुए कट कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको इसका डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ कैसे इस पर मनी लगा के डिज़ाइन किया जाएगा। तो यहाँ से मैं मनी लगा के डिज़ाइन कर लेती हूँ इसको।
तो पहले देखिए मैं नीडल्स की सहायता से पूरे जो इसको थोड़ा थोड़ा फंसाते हुए कपड़े को ले रही हूँ। फिर इसके बाद इसको बांध लेंगे। तो बीच में देखिए बटरफ्लाई डिज़ाइन की तरह आ जाएगा। मनी में एक छोटी सी गोल्डन कलर की मोती लगा रही हूँ, तो आप भी ऐसे गोल्डन कलर की मोती लगा लीजिएगा। जो डोरी है उसको इसके साथ में हम स्टिच करते जाएंगे। तो डोरी को साथ में डल्स में जो स्टिच कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारी डोरी जो निकलेगी नहीं, ये देख लीजिए नीचे के साइड से हम बांध लेंगे। अब एक डोरी मेरी लग चुकी, एक डिज़ाइन मेरा बन चुका है। अब दूसरा भी ऐसे ही बनाएंगे। इसमें भी हम डोरी को फंसा लेंगे नीडल्स में। यहाँ से देखिए मैं बांध लेती हूँ। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, देख लीजिए। ये देख लीजिए मैंने आपको तीन डिज़ाइन बना के दिखा दिए हैं। इसी तरीके से मैं पूरा बना लेती हूँ जितने भी मेरे हैं, तो मैं सब में इसी तरीके से बना लूँगी। तो मैंने देखिए पूरा बना लिया है इसी तरीके से। अब जो मैंने ये डोरी बनाई है इस पर मैं नीचे के साइड फ्लावर्स बना के आपको दिखा देती हूँ कैसे फ्लावर्स बनाया जाएगा। तो सिंपली आप फ्लावर्स बना लीजिएगा जैसे मैं बना के आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। ये देख लीजिए मैंने फ्लावर्स बना लिया है। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। अब इसी तरीके से मैं दूसरे वाले डोरी में बना लूंगी जैसे मैंने सेम इसका बनाया हुआ है। तो मैंने दोनों डोरी का बना लिया है कम्प्लीटली। इसको मैं आपको बांध के दिखा देती हूँ कैसे इसको बांधा जाएगा। तो देख लीजिए मैं आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखा रही हूँ कैसे मैं इसको बांध रही हूँ। ये देखिए बंध चुका है अगर, और मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। ये जो मेरा मैंने पेपर यूज़ किया था इसको मैं अच्छे तरीके से निकाल देती हूँ। तो मैं देखिए पेपर को निकाल दी, जो एक्स्ट्रा बचा है धीरे धीरे अपने आप ही निकल जाएगा। और मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देख लीजिए बिल्कुल कम्प्लीट है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी कोई डिज़ाइन ड्रेस या ब्लाउज को अगर आप परचेज करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम आई designpur22 को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं और कोई ब्लाउज परचेज कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।